वेलकम टू द चैनल ज्ञापन अकेडमी। यह वीडियो नॉन हिंदी का है, लेसन 22। आप देख रहे हैं कि वीडियो अब हम लोग का पूरा यह लेसन कंप्लीट होने के कगार पर है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि जो सुदामा चरित्र है, सुदामा चरित्र के लेखक का नाम है नरोत्तम दास। नाम याद कैसे रखेंगे, तो यहां देखिए सुदामा चरित्र में, यानी सुदामा में लगभग जितना भी वर्ड है ये, ठीक है, वो इसमें उपस्थित है सिर्फ च को छोड़ करके। और ये जितना है काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है, पूरा का पूरा इसका पूरा जितना ये है उतना ये भी है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप, सुदामा चरित्र का सब शब्द इसमें है। स है तो स है, द है तो द है, म है तो म है, ठीक है, च को छोड़ करके, और र है तो इसमें भी र है, त है तो इसमें भी त है, यानी सब चीज यहाँ उपस्थित है। इसमें हम लोग जानेंगे सुदामा और जो कृष्ण है, इन दोनों के बाल जीवन यानी बचपन के जीवन के बारे में जानेंगे, और बाद में ये बड़े होने के बाद से सुदामा कैसे रह गए और भगवान कृष्ण कैसे हो गए। ठीक है, कृष्ण को आखिर भगवान का उपाधि क्यों दे दिया गया, यही हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सुदामा चरित्र, ये जो कविता है ये सुदामा और कृष्ण के बाल लीला, और सुदामा किस तरह से गरीब थे और किस तरह से उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण के पास गए और हेल्प की भावना से कुछ मांगे कि नहीं मांगे, इस लेसन में जिक्र किया गया है। देखिए सुदा यहाँ लिखा गया है कि देखिए इस पूरे लाइन को हम आपको समझाते हैं। सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे, यानी बचपन के मित्र थे। ठीक है, सुदामा बहुत ही दीन थे, दीन का मतलब होता है बहुत ही गरीब, ठीक है, थे, और भिक्षा मांग करके भोजन करते थे और हरि भजन में लगे रहते थे, एकदम लीन थे। उनकी पत्नी जो थी, यहाँ लिखा गया जो उनकी पत्नी थी, थोड़ा सा अपनी दरिद्रता के इस गरीबी से थोड़ा सा उब जा रही थी। उन्होंने बोला कि जब आप अपने मित्र के बारे में, यानी श्री कृष्ण के बारे में इतने बड़े बड़े बात बोलते हैं कि मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, ठीक है, राजा हैं, तो जाइए अपनी परेशानी को बताइए यहाँ पर। वो जा करके फिर अपनी पत्नी को, पत्नी का बात मान करके, और वो गए हैं और किस तरह से भगवान कृष्ण सुदामा का हेल्प किए हैं और अपने मित्र होने का कर्तव्य निभाए हैं, ठीक है, उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आजकल के आप देख ही रहे हैं कि जिसके पास पैसे हैं लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, वही कहावत हो गया है। ठीक है, अगर पैसा है तो ही सारे लोग पूछेंगे, लेकिन यहाँ देखिए गरीब को भी एक भगवान कृष्ण कैसे मदद किए हैं, जो कि इनके परम मित्र थे, वो भी बचपन के। आगे देखते हैं हम लोग, लिखा है देखिए, जब सुदामा वहाँ से चले गए और जा रहे हैं मतलब द्वारिका कृष्ण के पास, और जाने के बाद से यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है। शीश पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को कहीं बसे के ही ग्रामा। ठीक है, ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। देखिए, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपान कि नाही नहीं श्यामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी राहो चकी सो वसुधा अभिरामा, और पूछा दीन दयाल का धाम, और बतावत अपन नाम सुदामा। बोल जाएगा कि ना शीश पगा ना तगा झन में, यानी कि ना सर पे पगड़ी है ना तन पे क्या है, जामा है, जगा है। ठीक है, और क्या कर रहे, प्रभु को धाम, यानी कि प्रभु जाने को आई बसे कहीं ग्रामा, और वो कहाँ बसे हुए हैं, अब कहीं किसी गाँव से आए हैं। धोती फटी सी लूपटी लटी दुपटी, यानी कि धोती फट करके दुपट्टा की तरह लटक गया है। ठीक है, और वहाँ कौन बोल रहा है, जा करके द्वारपाल जो वहाँ पे थे वो सुदामा को, यानी कि सुदामा के बारे में बता रहा है श्री कृष्ण को, कि द्वार पर एक द्विज दुर्बल खड़ा है जिसका धोती फटा हुआ है, सर पे पगड़ी नहीं है, शरीर पर जामा नहीं, यानी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, और वो बोल आपके आने का मतलब, आप कहाँ रहते हैं, आपके बारे में पूछ रहा है, और अपना नाम पूछ रहा है, और नाम अपना बता रहा है सुदामा। ठीक है, अगले लेयर में हम लोग देखते हैं, यहाँ है, बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राजकाज ऐसे जो कि गति जाने को, यानी बोल रहा है कि जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा का नाम रखा, यानी सुदामा भगवान कृष्ण जैसे ही सुदामा का नाम सुने, पूरा राजपाट वहाँ से पूरा छोड़ करके, और उनकी स्पीड बढ़ गई, गति से वो मिलने के लिए आ गए सुदामा से, कि ये मेरे मित्र हैं बचपन के, द्वार के नाथ हाथ जोड़ी धाय गते पाए, और वहाँ पे अपने मित्र को पैर छू करके प्रणाम किए, क्योंकि वो जात के ब्राह्मण थे, ब्राह्मण यानी पंडित, और पंडित लोगों का काफ़ी माने रेस्पेक्ट मिलता है हिंदू धर्म में। अब देखिए, भेंटे भरी अंक अपटाए दुखी साने को, यानी कि वैसे ही भले ही उनका शरीर में कपड़ा नहीं है, गंदगी फैले हुए, लेकिन वैसे ही उन्होंने क्या किया, गले लगा लिया। ठीक है, नैन दाऊ जल भार पूछत कुशल हरि, और पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। ठीक है, फिर
फिर बोलियो विपदा में मोहि चाही पहुंचाने को। बोले कि तुम विपत में जब थे तो अपना हाल हमको सुनाना चाहिए ना कि आप कितने विपत में हैं, क्या हुआ आपके साथ। जैसे तू करते तैसी करे को दया के सिंधु और ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन, यहाँ हटा दे इसको थोड़ा सा ऊपर, दीनन सो भागे को। और आप हमें अपने परेशानी को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि दीन बंधु का मतलब आपको एक दीन बंधु चैप्टर भी था उसमें भी समझाए थे, ठीक है, जो दीन दुखियों का पार बेड़ा पार लगा दे यानी मदद करे। आप अपना एक भी परेशानी अगर बताए होते, ठीक है, तो हम जरूर हेल्प करते, जरूर सहायता करते। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सुदामा से, आपका हाल क्या हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला लेयर में, थोड़ा सा इसको अच्छा से समझिएगा, इससे मल्टीपल चॉइस बनेगा भी और आप भी उसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बड़ी ही मज़ेदार है। देखिए, ऐसे बिहाल बिम्बाइय सो फट कंकड़ जाल लगे पुनिजोए। ये जो पूरा लाइन है, ठीक है, इस लाइन में बोला गया है कि कैसे बिम्बाइय फट गई, पैर में जो एड़ी होता है वहाँ बिम्बाइय फट जाती है और ऐसे फट गया था इनका पैर जैसे लग रहा था कि जाल लगाया गया, जाल की तरह एकदम स्क्वायर रूप में फट गया था, ठीक है। अब देखिए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए न इते न किते दिन खोए। बोल रहे हैं कि हाय मेरे सखा, तुम यहाँ इतना दिन से कहाँ थे और कहाँ खो गए थे। यही सेंटेंस है, तुम इते न किते दिन खोए, यानी कि इतना दिन से तुम कहाँ खो गए थे, कहाँ गुम हो गए थे, अभी अभी मिल रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणिधि रोए। ये दीन दशा देख करके भगवान कृष्ण यानी जो करुणाकर हैं, ठीक है, वो बहुत रोने लगे, उनके आंखों से आंसू मतलब नहीं रुक रहा था। और देखिए, पानी परात को हाथ हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। और परात से पानी जो होता है नहीं निकाल के पैर धो रहे हैं, उनके आंसू ही इतना गिरा कि उनका पैर उससे धुल गया, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ये कहानी पुराना बताएंगे। आगे चना गुरु मात दिए ते लाए तू चबाई हमें नहीं दीने, ठीक है। और श्याम कहियो मुस्कुराए सुदामा सौ चोरी की बानी में हौजू परवीने, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरह, और यहाँ थोड़ा सा आगे भी समझ लीजिए, गठरी कांख में चापी रहे तू, ठीक है, खोलत नहीं सुधारस भींगे। और पाछली बानी औजौ न तजौ तू तेसई भाभी के तंदुल कीने। यहाँ पूरा सेंटेंस समझिएगा, नीचे वाला पैराग्राफ जो है, ठीक है, बोला है कि भाभी हमारे लिए कुछ लाई हैं। भाभी का मतलब आप समझिएगा, श्री कृष्ण भगवान सुदामा की पत्नी को भाभी बोल रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं और गुरु माता चन्ना खाने को जब तुमको देती थी कि दोनों आदमी बांट के खा लेना, तो तुम क्या कर रहा था कि चोरी से सब चना अकेले खा जा रहा था, हमको नहीं दे रहा था। इस बार भी तू वही कर रहा है, भाभी हमारे लिए कुछ दी है खाने के लिए, ठीक है, और तू क्या कर रहा है कि कांख में पोटली चापे जा रहा है, ठीक है, यानी कि हाथ में दाबे जा रहा है और खोल नहीं रहा है। हमको जो भाभी हमारे लिए दी है वो खोल करके दो, ठीक है। जो पुराना बात है, जिस तरह पहले वाला आदत तुम्हारा गया नहीं अभी तक, ठीक है, जिस तरह गुरु माता हमें देती थी चना खाने के लिए, तू अकेले ही मार लेता था यानी खा जाता था, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग अगला लेयर। देखिए, वैसे ही राज समाज बने। अब यहां से वहां से पूरा हाल चाल पूछ करके और वहां से बोले कि ठीक है विदा दे दिए हैं, ठीक है। अब इनके दिमाग में आया, किनके दिमाग में, सुदामा के दिमाग में, कि हम इतना अपना दुख सुनाए फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दिए, यानी जवाब नहीं दिए हमको, धन संपत्ति से मतलब पूर्ण रूप से हमको नहीं दिए भगवान कृष्ण, और बोल रहे हैं मेरा विदाई भी कर दिया। आखिर ये क्या हुआ, जब मेरा इतना ही परेशानी समझते हैं तो हमको कुछ संपत्ति देना चाहिए। और यही सोच करके रास्ते से वो चल दिए। जब वो अपने गाँव को पहुँचे और वहाँ अपना घर ढूंढने की कोशिश किया, तब यहाँ का सीन देखिए क्या बोला जा रहा है। वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। जब ये आए तो वहाँ देख रहे हैं कि गज यानी हाथी, बहुत सारा हाथी घोड़े सब वहाँ पे हैं, ठीक है, राजमहल की तरह एक है। देखो, कैदो परियो कहूँ मारग भूली के और कै अब फेरी में द्वारिका आयो। ऐसा नहीं ना कि कहीं पे हम मार्ग भुला करके और फिर से मैंने फेरी यानी फिर से हम द्वारिका आ गए हैं, ठीक है। जब ये अपने गांव में अपने घर को ढूंढने गए, उनका घर के जगह पर एक बहुत बड़ा महल था, ठीक है, वहाँ पे हाथी थे, घोड़े, बहुत सारा मतलब जितना राजा लोगों का जो भी संपत्ति होता वैसे ही संपत्ति वहाँ पे था। तो ये सोचे कि कहीं
फूल करके सोचते सोचते द्वारिका फिर से तो नहीं आ गए, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अब देखिए, भवन भवन बिलोकवे को मन लोचक सोचत ही सब गांव मझौवे। अब ये सोच रहे कि हमारा भवन कहाँ बिला गया, कहाँ चला गया, ठीक है, ये गांव कहीं दूसरा तो नहीं है, गांव तो वैसे ही दिख रहा है, सिर्फ मेरे घर के जगह पर चेंजिंग लग रहा है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, ठीक है। पूछत पांडे फिर सबसो, पर झोपड़ी को कहू खोज ही ना पाए। सबसे वो पूछ रहे हैं पांडे जी, यानी कि सुदामा सबसे पूछ रहे हैं कि मेरा झोपड़ी कहाँ गया, पूरा ढूंढ रहे हैं अपने झोपड़ी को कि मेरा झोपड़ी कहाँ गया, जबकि वो तो भगवान की यानी खुदा की ऐसी लीला थी, ठीक है, कि वो झोपड़ी महल के रूप में तब्दील हो गया था, बदल गया था। कैवह टूटी सी छानी होती, पहले कितना टूटा छानी होता था यानी कि झोपड़ी होता था। कह कंचन के मन धाम सुहावत, और आज कंचन के धाम की तरह, ये भगवान के धाम की तरह सुहावना दिख रहा है। कै पग में, पहले क्या होता था, कै पग में पनही न, यहाँ पूरा लाइन ये थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, कै पग में पनही न होती कह ले गजरा जहू ठाड़े महावत। पहले क्या था कि पग में क्या था, चप्पल भी नहीं था, ठीक है, और आज जो है हम अब तो हम जमीन पर पैर ही अपना पग ही नहीं रख रहे हैं, पैर ही नहीं रहे, वहाँ पे महावत आ रहा है और हमको लेकर के और क्या कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है, वहाँ द्वार पे महावत खड़ा रह रहा है हाथी के साथ। बताइए ये कंडीशन आ गया है। अब बताइए एक बात और आप थोड़ा सा समझिएगा, मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति है, अगर किसी किसी को ज़्यादा सुख भी दे दीजिएगा ना, अगर उसको दुख नहीं होगा तो उसको भी वो बोर फील होगा कि क्या यार जिंदगी में सब कुछ मेरे पास है, थोड़ा सा इस टाइप के भी लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, भूमि कठोर पे रात कटे, पहले तो कठोर भूमि पर रात कटा था, आज कोमल सेज पर भी इनको नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, सुदामा को। कह जूतो ना ही कोदो श्यामा प्रभु के परताप ते दाख न भावत, और ये प्रभु का इतना प्रपात मतलब इनका इतना आशीर्वाद रहा, ठीक है, कि पहले तो ये क्या करते, जूतो नहीं कोदो, ठीक है, यानी कि इनके पैर में तो पहले जूता ये पहनना ही है, पहले तो जूता भी नहीं था, ठीक है, और अब देखिए आज जमीन पे पैर भी नहीं रखते हैं। अब आगे यहाँ पे लास्ट सीन है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। धन्य धन्य यदुवंश मणि, यदुवंश ये यदुवंशी थे यानी यादव जी थे, श्री कृष्ण भगवान क्या थे, यादव वंश के थे, यदुवंश के थे। तो सुदामा जी उनको बोल रहे हैं कि धन्य धन्य यदुवंश मणि, ठीक है, दिनन पे अनुकूल, और इस दिन के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। धन्य सुदामा सहित तिया कही वर सही सुरफुल, ठीक है, और सुदामा जी ये बात बोल रहे हैं कि जो भी सुख सुविधा, ठीक है, यहाँ पर दिए उनके लिए मेनी मेनी थैंक्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ये सब जो दोहा टाइप का होता है थोड़ा सा उटपटांग होता है, लेकिन अगर हम लोग कहानी समझ जाए, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं और इसका मल्टीपल चॉइस भी बना सकते हैं। तो आपका ये 20 लेसन उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो देखा ना आपने ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग था और कविता भी बहुत मस्त था, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा हिंदी का आपका निचोड़ जो मल्टीपल चॉइस बना है, ठीक है, उसको लेकर के हम आ रहे हैं। आप प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और ये पढ़ाई अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में आप पूरा इसको शेयर कीजिए और उन्हें ही बोलिए कि वो आगे शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।